विकास खंड में किसान मेला प्रदर्शनी एवं गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें किसानों को किसान कल्याणकारी योजनाओं से अवगत कराया। मथुरा के चौमुआ में किसान कल्याण मिशन के अंतर्गत चौमुआ विकास खंड कार्यालय पर किसान मेला गोष्ठी एवं प्रदर्शनी आयोजित की गई। किसान मेले का शुभारंभ दुग्ध विकास मंत्री लक्ष्मी नारायण चौधरी के प्रतिनिधि नरदेव चौधरी ने किया। मुख्य अतिथि नरदेव चौधरी ने किसान मेले में किसानों को संबोधित करते हुए कहा कि केंद्र सरकार द्वारा लागू किया गया कृषि बिल पूर्ण रूप से किसानों के हित में है। कुछ किसान विरोधी पार्टियां इस बिल का विरोध कर रही हैं। भाजपा सरकार हमेशा से किसान हितैषी रही है। प्रदेश में कृषि मेला लगाकर किसानों को कृषि बिल के बारे में समझाया जा रहा है, जिससे किसान अच्छी तरह से समझ भी रहे हैं। पीडी एवं प्रभारी वीडियो बलराम कुमार ने कृषि मेले में स्वयं सहायता समूहों के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि प्रत्येक ग्राम पंचायत में उत्तर प्रदेश आजीविका मिशन के तहत 10 या इससे अधिक महिलाएं अपना स्वयं सहायता समूह का गठन करें। ग्राम पंचायतों में स्वयं सहायता समूह के माध्यम से ज्यादातर काम करवाए जा रहे हैं। भूमि संरक्षण अधिकारी संतराम सिंह ने किसानों को जैविक खेती करने के संबंध में जानकारी दी। पशु चिकित्सा अधिकारी नितिन यादव ने पशुओं से संबंधित जानकारी किसानों को दी। इस दौरान आंगनवाड़ी और स्वयं सहायता समूह की महिलाओं ने प्रदर्शनी लगाई। इस मौके पर ब्लॉक प्रमुख पातिराम सिसोदिया, जयपाल सिंह, ओम प्रकाश सिंह, जेपी शर्मा आदि किसान उपस्थित रहे। टाइम्सलर सिंह, मथुरा, समाचार 24। सर, आज आपने किसान मेला में क्या मुख्य जानकारी दी? आज के किसान मेला में दूर दूर से लोग आए, उनको विभिन्न वक्ताओं ने अलग अलग विषय पर जानकारी दी। हमने खास करके दो बिंदु पर विशेष ध्यान दिया कि राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत समूह का गठन करें, जिससे समूह को विभिन्न प्रकार के लाभ मिल सके। समूहों को कोटे का प्रस्ताव दिया जा सकता है, उनके द्वारा जो है राय राशन का वितरण किया जा रहा है, बिजली बिल का कनेक्शन भी किया जा सकता है, उनका जो वसूली की जा सकती है। साथ ही मनरेगा योजना के अंतर्गत व्यक्तिगत लाभ में जो भी लोग इच्छुक हैं, चाहे वो अपने खेत का समतलीकरण करना चाहते हों, नाली बनवाना चाहते हों, बाग लगवाना चाहते हों, नर्सरी बनवाना चाहते हों, पशु शेड चाहते हों, इन सब पर जो है कार्य कराया जा सकता है। और ये लोग से हम लोगों ने अनुरोध किया कि लोग आप आगे आएँ और मनरेगा योजना का लाभ उठाएं। सर, आज किसान मेला में आपके द्वारा किसानों को क्या महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी गई? सरकार किसान बिल से संबंधित जो भ्रांतियाँ देश में, प्रदेश में, समाज में विरोधियों द्वारा फैलाई जा रही हैं, हमारी ये कोशिश है इन मेलों के माध्यम से, समाज में अन्य और व्यवस्थाओं के माध्यम से उन भ्रांतियों को दूर करके प्रत्येक किसान को जागरूक किया जाए, समाज के प्रत्येक व्यक्ति को ये बताया जाए कि इस बिल को लाने के लिए कितना संघर्ष भारतीय जनता पार्टी ने किया है और कितने फायदा इस बिल से किसानों को होने वाले हैं। चाहे किसी भी विषय पर, किसी भी मुद्दे पर कोई भी विरोधी, जिसे कोई शक हो, जो गलत जनता को भगलाने का काम कर रहे हैं, वो हमसे बहस कर लें, खुली चुनौती पब्लिक के बीच में आके किसी भी विषय को रख लें